साइड हम प्रोडक्ट साइड में आते हैं तो हमें देखने में आ रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो सिंगल था, लेकिन क्या हुआ कि इस साइड में हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हो गया बेटा? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन भी ऐड हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो फिर से हम डेफिनेशन पे जाते हैं, तो हमने डेफिनेशन तो पढ़ी तो थी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमने कहाँ पढ़ा था याद कीजिए, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन याद आया, हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन तो सिंगल था, लेकिन दूसरे साइड में इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्या बोल बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बात समझ में आई आपको, मतलब क्या हो रहा है, एक ही रिएक्शन में देखिए दोनों रिएक्शन साथ में हैंड हो रही है, साथ में परफॉर्म की जा रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन कहा हुआ, तो हमने देखा यहाँ पे तो हाइड्रोजन सिंगल था, लेकिन सेकेंड साइड में इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पर हमने देखा कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था लेकिन अनदर साइड में यहाँ पे बस कॉपर हमारे पास बचा, तो ये हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आपको आ रही होगी। अब देखिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करे।
उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन का गेन जिससे हो या जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऊपर फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं इक्वेशन में। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया कि टेल अस व्हिच आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हिच आर द रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब आपको क्वेश्चन तो किया गया कि व्हिच आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हिच आर द रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बोल रहा है बेटा, वो जो ऑक्सीजन का रिमूवल करे, है ना। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन आपको दिख रही है, इसमें ऑक्सीजन का को रिमूव कौन कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे तो कॉपर ऑक्साइड में यहाँ पे ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ का ऑक्सीजन नहीं रहा, मतलब इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हुआ, ये क्या हो गया CuO, ये क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इसने ऑक्सीजन का रिमूवल किया। फिर आपको पूछा गया कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए द सब्सटेंस विच गेन और एड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे सिंगल था, अनदर साइड में हम देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने साथ ऐड कर लिया और उसने बनाया वाटर। तो यहाँ पे बोला रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो जिसे ऑक्सीजन का गेन हो या जिसमें ऑक्सीजन आके ऐड हो जाए वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमें जो था हाइड्रोजन यहाँ पे सिंगल था लेकिन इस साइड हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, हाइड्रोजन हुआ। कौन रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, हाइड्रोजन हुआ। हाइड्रोजन क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आके ऐड हो गया, तो ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं, हम क्या होगा एक और एग्जांपल देखते हैं, हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग कुछ बेटर हो पाए, है ना। चलिए देखते हैं, हम रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोजन, हम रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन से, है ना। जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे बेटा, तो यहाँ पे सल्फर हो जाएगा सेपरेट और यहाँ पे क्या बन जाएगा HCl, यहाँ पे क्या बन जाएगा HCl, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के टू मॉलिक्यूल, क्लोरीन के टू मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे बन जाएगा 2HCl, है ना। ये आपकी इक्वेशन बैलेंस है, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड रोटेट द क्लोरीन सो फॉर्म सल्फर प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। अब ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन बोले तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ नहीं हो रहा है। तो ये मैंने आपको इक्वेशन यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि हमने तो पढ़ा है रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीजन के भी टर्म में हाइड्रोजन के भी टर्म में। तो एक जो इसके पहले हमने रिएक्शन देखा था वो ऑक्सीजन का एडिशन और रिमूवल को शुरू कर रहा था, हाइड्रोजन तो हमने देखा नहीं, तो इसलिए हमने सेकेंड ये आपके सामने लिया हुआ है जिससे आप देख पाए कि हाइड्रोजन का भी एडिशन और रिमूवल जब हो तो कहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ रिडक्शन होगा। तो चलिए हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन के साथ सल्फर भी है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ सल्फर तो था लेकिन अनदर साइड में क्या हुआ, सल्फर अकेला रह गया, सल्फर क्या हो गया अकेला रह गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन हट गया, सल्फर अकेला बच गया, मतलब इस जो रिएक्शन हुई इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, है ना। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहाँ होगा, तो जहां
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये किसमें होता है, तो ये रिडॉक्स ये सॉरी क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता है, वहां पे जहां का ऑक्सीजन ऐड होता है वहां उसी इक्वेशन में जहां हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहां होगा, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होगा, है ना। मतलब यहाँ पे हमने देखा यहाँ का हाइड्रोजन सल्फाइड था लेकिन यहाँ पे बस सल्फर बच गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमने कहाँ पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो ये जो रिएक्शन हुई बेटा ये कौन सी रिएक्शन हुई, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। अब ये देखिए यहाँ पे क्लोरीन अकेला था और यहाँ पे क्या हो गया, अनदर साइड में हम देखते हैं क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो फिर से हमें डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे तो क्लोरीन सिंगल था लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन उसके साथ ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे होता है, तो हमने पढ़ा था जहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, तो ये डेफिनेशन कौन सी है, तो ये डेफिनेशन रिडक्शन की है, तो ये कौन सा हुआ, रिडक्शन रिएक्शन, ये कौन सा हुआ, रिडक्शन रिएक्शन, है ना, रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे आपको फिर से वो चीज पूछेगा कि व्हाट आर द ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बेटा। तो अब बताइए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, तो अभी पीछे वाले रिएक्शन हमने पढ़ा था कि वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन का रिमूवल करे, तो यहाँ पे उसका अपोजिट हो जाएगा, द सब्सटेंस विच gain or add hydrogen, हाँ जी, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन का गेन हो या जिसमें हाइड्रोजन एड हो, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग क्या होगा, द सब्सटेंस Substance which the substance which lose hydrogen or reduce hydrogen is called reducing agent, है ना, वो एजेंट। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा बेटा, जहां पे हाइड्रोजन का गेन या ऐड हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का लॉस हो या रिड्यूस हो, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर से हम इक्वेशन पे आते हैं, अब हमें पूछा गया है कि बताइए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो देखिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन और एड ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एड कहाँ हुआ, तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन अकेला था, यहाँ पे क्लोरीन में क्या एड हो गया, हाइड्रोजन एड हो गया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, तो क्लोरीन हो गया बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट जिसने हाइड्रोजन को लूज किया या रिड्यूस किया, तो देखिए फिर से इक्वेशन पे आ गई, किसने लूज किया, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन
सल्फाइड था, मतलब सल्फर के साथ हाइड्रोजन भी था, लेकिन यहाँ से दिख रहा है कि बस सल्फर ही बचा, हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया। तो ये क्या हुआ बेटा, इसने क्या किया, रिड्यूस कर दिया, लॉक कर दिया। तो रिड्यूसिंग एसिड कौन हो गया, सल्फर, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो ये था हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। इसमें और भी हम आपको कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, वो दो चीजों से मिलकर बनता है, या वो रिएक्शन जिसमें दो रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या हो, तो ऑक्सीजन का जिसमें एडिशन हो या हाइड्रोजन का जिसमें रिमूवल हो, वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो वो रिएक्शन जिसमें इसका अपोजिट हो, तो ऑक्सीडेशन का अपोजिट, तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो दिस इज कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन। फिर हमने देखा कुछ एग्जांपल, फिर हमने देखा ऑक्सीडेशन एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन के टर्म में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पढ़ा, और हाइड्रोजन के टर्म में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यहां पे देखा। ऑक्सीजन के टर्म में रिड्यूसिंग एजेंट पे हमने देखा, और हाइड्रोजन के टर्म में भी हमने रिड्यूसिंग एजेंट देखा। चलिए, आप हम फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम इसके कुछ और भी एग्जांपल, इसका और भी कुछ एग्जांपल देखेंगे, और साथ ही साथ हम रेडॉक्स रिएक्शन का हमारे डेली रूटीन में क्या यूज होता है वो देखेंगे। तब तक के लिए चलिए बाय, फिल कनेक्टेड, थैंक यू, बाय।